Morning, students. How are you doing? Fantastic. All right. So today we are going to learn about verbs. क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? Verbs. पिछले क्लास में हमने पढ़ा था verbs के बारे में. तो verbs का definition क्या था? Verbs are words that show action. कि verbs ऐसे words होते हैं जो कि एक्शन दिखाते हैं. एक्शन जैसे रनिंग, दौड़ना, प्लेइंग, खेलना, रीडिंग, पढ़ना. तो ये से वर्ड जो कि फिजिकल एक्शन दिखाते हैं उसको बोलते हैं वर्ब्स. जैसे आई एम प्लेइंग, मतलब कि मैं पढ़ रहा हूँ. तो इसमें प्लेइंग क्या हो गया? वर्ब हो गया. क्यों? क्योंकि ये एक्शन दिखा रहा है. ओके, तो क्या केवल वर्ब का यही काम है कि एक्शन दिखा रहा है या कुछ और भी है? हाँ बेटा, और भी है. क्या है? दे टेल अस वॉट पीपल, एनिमल एंड थिंग्स आर. कह रहा है कि एक्शन के अलावा हमें ये वर्ब और क्या क्या बताते हैं कि जो भी पीपल है, एनिमल है, थिंग्स है, क्या है. आर मतलब क्या है, बेसिकली उसका स्टेट बताते हैं कि क्या है वो, वॉट दे हैव या फिर उनके पास क्या है. समझिए कि वो क्या है और उनके पास क्या है. एंड वॉट दे डू और वो क्या करते हैं, क्या फील करते हैं, क्या बोलते हैं. क्लियर है? तो ऐसे वर्ड्स भी वर्ब्स कहलाते हैं. तो बेसिकली एक्शन के अलावा उनका स्टेट बताते हैं, उनके पास क्या बिलोंगिंग्स या पोजिशन है, मतलब उनका अपना क्या कोई सामान है, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ये सब भी वर्ब्स बताते हैं. आइए जानते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आई एम रनिंग, इसमें वर्ब क्या है? रनिंग है. क्यों? क्योंकि एक्शन दिखा रहा है, दौड़ रहा है, फिजिकल एक्शन है. एक तो ये हो गया कि एक्शन दिखाता है. दूसरा देखिए, माई फादर हैज़ अ वाइट कार, कि मेरे पापा के पास एक सफ़ेद कार है. अब यहाँ पे देखिए, माई फादर हैज़ यहाँ पे वर्ब है. क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि मेरे पापा के पास क्या है, मतलब एक होना का सेंस दे रहा है. जैसे आपके पास चार किताबें हैं, जैसे अंकित नाम का कोई लड़का है, उसके पास चार किताबें हैं, तो मैं बोलूँगा अंकित हैज फोर बुक्स. तो दिखा रहा है ना, अंकित के पास एक कोई सामान है, तो सामान का उस पर उसका अधिकार है, तो हैज लगता है वहाँ पे. क्लियर है? अभी आगे बताएंगे हैज लगता है कि हैव लगता है. तो बता रहे इसमें व्हाट द डूअर हैज. डूअर मींस करने वाला. सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? माय फादर. तो डूअर भी यही होगा कि करने वाला के पास क्या है. तो क्या है? एक सफ़ेद कार है. तो हैज क्या हो गया? वर्ब हो गया. क्लियर है? दूसरा देखते हैं. जियाज मदर इज अ टीचर. कह रहा है कि जिया की जो माँ है वह एक टीचर है. अब इसमें इसका स्टेट बता रहा है कि व्हाट द डूअर इज, इसकी डूअर जो है मतलब सब्जेक्ट क्या है. जैसे जियाज मदर क्या है? सब्जेक्ट हो गया या डूअर हो गया. इसका स्टेट बता रहा है कि इसका अवस्था बता रहा है कि जिया की माँ एक टीचर है. जैसे मैं बोलूँ कि आप एक स्टूडेंट हैं, यू आर अ स्टूडेंट, तो आपका स्टेट बता रहा है, आपका अवस्था बता रहा है. तो उसमें आर क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें आपका स्टेट बता रहा है. क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है. अब देखते हैं. आई वॉज हैप्पी टू सी माई आंट. कह रहा है मैं खुश था अपने आंटी को देख के. अब यहाँ भी देखिए, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था. तो इसका क्या है? एक फीलिंग बता रहा है कि आई मतलब मैं, कि मैं खुश था. तो बताने के लिए क्या वर्ड यूज किया है? वॉज. क्लियर है? तो वॉज क्या होगा? वर्ब होगा. अच्छा, टू सी माई आंट. क्लियर है? अब सी मतलब क्या होता है? देखना. तो देखना ऑफकोर्स एक्शन है, फिजिकल एक्शन है, तो सो एक्शन है, तो ये वर्ब तो होगा ही होगा. क्लियर है? इसमें क्या बता रहा है? व्हाट द डूअर फील्स एंड डज, कि इसमें डूअर क्या फील करता है और क्या करता है. नेक्स्ट आते हैं. तरुण स्क्रीम्ड व्हेन ही सॉ द लिजर्ड.
तरुण चिल्लाया जब उसने एक लिजार्ड को देखा। अब यहाँ पे देखिए, तरुण चिल्लाया स्क्रीम्ड, तो चिल्लाया क्या है, एक्शन है ना, मुंह खोला होगा, बहुत जोर से आवाज चिल्लाया होगा, कुछ मेहनत लगा होगा, तो स्क्रीम क्या होगा, चिल्लाना, तो ये तो वर्ब है क्योंकि फिजिकल एक्शन है, क्लियर है। एंड वेन इज सॉ कि देखना, देखा तो देखना भी तो फिजिकल एक्शन है, तो ये भी क्या हुआ, एक वर्ब हुआ, क्लियर है। फिर आई रोट टू लेटर्स इन, सॉरी आई रोट टू लेटर्स दिस मॉर्निंग, और इसमें क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, इसमें आई है, क्या कर रहा है, लिख रहा है, लिखना एक्शन है ना, तो इसमें क्या होगा, रोट क्या है, एक तरह के एक क्या है, वर्ब है, क्लियर है। तो वर्ब जो बेसिकली है एक्शन दिखाते हैं कि दौड़ रहा है, खेल रहा है, लिख रहा है, सो रहा है, अब उसका स्टेट बताते हैं कि अभी का स्टेट या फिर पास्ट का, जैसे मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, तो एम वर्ब हो जाएगा, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, तो वॉज लग जाएगा, मैं भविष्य में खुश रहूंगा, तो आई विल बी हैप्पी, तो ये सारे वर्ड्स होते हैं जो स्टेट बताते हैं समय के अकॉर्डिंग, वो भी वर्ड्स में आते हैं। उनके पास क्या होते हैं, जैसे किसी के पास कार है, किसी के पास पेन है, किसी के पास पेंसिल हैव और हैज लगता है पोजिशन के लिए, तो ये भी इसको बताते हैं कि कितना उसके पास बिलोंगिंग है, तो इसके लिए जो वर्ड होता है वो भी एक वर्ब होता है, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, इन सबको दिखाने के लिए, शो करने के लिए जो भी वर्ड्स यूज होता है वही हमारे वर्ड्स होते हैं, क्लियर हो गया। हाँ सर, क्लियर हो गया। अब आता है चेंजिंग इन अ वर्ब, आप आगे क्लास में जाएंगे तो आप एक सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का हम यूज करते हैं, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से हम वर्ब चेंज करते रहेंगे। इसमें थोड़ा सा झलक दिया गया है, आइए देखते हैं। वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ नाउन्स दे टेल अस अबाउट, कह रहा है वर्ब चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि सब्जेक्ट एक है या दो है, कितने हैं, उसके हिसाब से वर्ब्स चेंज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, माई सिस्टर स्विम्स इन द पूल, देखिए पहले इसमें वर्ब क्या है, तैरना, तैरने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्विम, तो ये तो वर्ब हो गया। चलिए माई सिस्टर की मेरी बहन, तो मेरी बहन कितनी यहाँ पे, एक है कि 50 है, सिस्टर लिखा है ना, तो एक है, तो मेरी सिस्टर पूल में तैरती है, तो ये सिंगुलर है, देखिए यहाँ लिखा भी है सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो मेरी बहन अगर सिंगुलर है तो वर्ब में हम एस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, एक ट्रिक है इसको याद कर लीजिए, एस फॉर एस कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगेगा, क्लियर है। अब दूसरा देखिए, माई सिस्टर्स, यहाँ देखिए मेरी बहनें, मतलब कि एक से ज्यादा बहनी है, स्विम इन द पूल, यहाँ भी वर्ब क्या है, स्विम है, तो दोनों के वर्ब में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे एस लग गया और यहाँ पे एस नहीं लगा, क्यों, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, मतलब कि एक से ज्यादा बहनें हैं, क्लियर है। जैसे माई सिस्टर स्विम्स इन द पूल, सिंगुलर है, एक है तो एक के साथ लगा, जैसे मैं बोलूँ किसी का नाम लिख दीजिए कि राम स्विम्स इन द पूल, राम भी तो एक है तो राम के साथ स्विम्स लगेगा। अब लिखेंगे वी, वी मतलब हम लोग कितने होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, तो वी के साथ क्या लगेगा, स्विम लगेगा, क्लियर है। तो सिंगुलर अगर नाउन होता है तो उसमें वर्ब में एस लगाते हैं, प्लूरल होता है तो एस नहीं लगाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, क्लियर है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, लुक एट इट पिक्चर एंड टिक द करेक्ट सेंटेंसेस, लिखा है द बन इज होप्स अक्रॉस द फील्ड, देखिए इसे मतलब मत समझिए, बस इसको देखिए क्या सही होगा, बन इज क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है, कैसे पता करेंगे, उसके आखिरी में ऑलमोस्ट जो होता है एस या ई एस आता है तो समझ जाते हैं कि ये प्लूरल है, ऑलमोस्ट, सारे ऐसे नहीं होते हैं लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं, तो बनिस देखिए ये तो प्लूरल लग रहा है, क्या लग रहा है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ वर्ब में क्या एस लगता है,
नहीं लगता है, बस यही आपको याद करना है। तो यहाँ देखिए हॉप, हॉप मतलब होता है छलांग मारना या फिर कूदना। तो यहाँ देखिए एस लग गया है यहाँ पे, क्योंकि ये प्लूरल है और एस लग गया तो ये तो गलत हो जाएगा, समझ गए। बी देखिए द बन्नीज, यहाँ भी प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब में एस नहीं लगता है, तो ये क्या होगा, ये हमारा सही हो गया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। आइए एक और, एक दो मैं और करा देता हूँ। माई ब्रदर क्या होगा, मेरा भाई कार चलाता है, ड्राइविंग चलाना होता है, तो क्या लगेगा, ड्राइव लगेगा कि ड्राइव लगेगा, बताइए सोचिए। 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। पहले देखिए माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, मेरा भाई तो एक है, माई ब्रदर्स नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, एस नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कि एक है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर होता है तो वर्ब में क्या लगता है, एस लगता है ना। यस सर, यस तो लगता है, अभी आपने बताया, वेरी गुड। तो यहाँ पे ड्राइव्स हो जाएगा, क्लियर है। वी क्या होता है, हम लोग, हम लोग क्या होता है, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल होता है, तो इसमें क्या होगा, ब्रशेस या ब्रश, क्या होगा बताइए। प्लूरल के साथ एस लगता है, नहीं लगता है सर, तो क्या हो जाएगा, ब्रश हो जाएगा, ठीक है। बाकी का आप लोग अपने आप से कीजिए, अगर कोई डाउट है तो इग्नास के व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर।